हाउस नाम की जगह में उन्होंने भारतीय विद्यार्थियों के रहने की पूरी व्यवस्था की है। विनायक, तुम लंदन जाने की तैयारी करो। जी। भाऊजी, जिनके राज में सूरज नहीं डूबता उन्हीं के गढ़ में जाकर उन्हीं को ललकारोगे? मुझे तो भय लग रहा है। तात्या की ढील ढाल देखकर उनके संकल्पों को छोटा मत समझो। भाभी, सभी युवक इनको अपना नेता मानते हैं। मैंने तो बस अपने मन की बात कह दी। भाभी, तुम ये मत समझना कि मैं किसी लड़ाई पर जा रहा हूं। तुम तो इस बात की कल्पना करो कि जब मैं बैरिस्टर बनकर लौटूंगा तब कैसा लगूंगा। सूट बूट टाइप पहने कितना रौब होगा मेरा, और फिर भाव तो आपका ही बढ़ेगा ना। इसका जितना भाव बढ़ेगा मेरे लिए उतनी कठिनाई होगी। तात्या, तिलक जी ने तुम्हें दोपहर को दोबारा बुलाया था, कुछ कहा उन्होंने? मुझे समझा रहे थे कि जाने से पहले ऐसा कोई काम ना करना कि सरकार तुम्हें जाने से रोक दे। भाऊजी का किसी को क्या पता कब क्या कर जाए। लेकिन अब क्या होगा, कल तो यहां से निकल ही जाना है। मैं समझता हूं कि सरकार मेरे जाने से खुश है। वो समझती होगी कि मुझे लंदन जाकर सद्बुद्धि आ जाएगी। क्या पता आ ही जाए। देखा तात्या, सब आशा करते हैं कि तुम्हें सद्बुद्धि आए। जब मैं वापस आऊंगा तो सभी को देखकर बहुत निराशा होगी कि मुझ में कोई अंतर नहीं आया है। तुम जैसे हो वैसे ही रहना भाऊजी। जब लोग तुम्हारे बारे में बातें करते हैं तो हम सबका सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। तुम कुलदीपक हो, तुम्हारा प्रकाश समुंदर पार से भी इस घर में आएगा। मेरा जी चाह रहा है मैं प्रभाकर को अपने साथ लेकर जाऊं। कितना अच्छा अगर ले जाओ। फिर तुम क्या करोगी? मैं भी इसके पीछे पीछे आ जाऊंगी, अकेली थोड़ी रहूंगी। चतुर हो, साथ जाने का अच्छा बहाना है। तुम्हारा मन सचमुच में साथ जाने को करता है? मन का क्या है, वो तो कुछ भी चाहता है। प्रभाकर को भाभी के पास छोड़ दो, मेरे साथ चल पड़ो। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? इसका अर्थ है तुम मुझसे ज्यादा प्रभाकर को चाहती हो। तुम बड़े हो, अपने आप को संभाल सकते हो, लेकिन ये तो मेरे बिना नहीं रह सकता ना। तुम्हारा हृदय सचमुच में बहुत विशाल है। मैं तुम्हें कुछ देकर जाना चाहता हूं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या देकर जाऊं। ये है ना, और क्या देना चाहते हो? सच कहा तुमने, प्रभाकर के रूप में मैं तुम्हें अपना सब कुछ देकर जा रहा हूं। Vinayak Damodar Savarkar, he's coming here to become a barrister. Sir, there are so many Indian boys studying here. But he's not like them. Middle class family se hai, बाल गंगाधर तिलक की रिकमेंडेशन पर उसे श्याम जी कृष्ण वर्मा की और उसे स्कॉलरशिप मिला है। श्याम जी कृष्ण वर्मा, वो तो अंग्रेजों के खिलाफ है। ही राइट्स अगेंस्ट अस। तब तो अच्छा हुआ,
हमको सावरकर के बारे में पता चला। इस लेटर के साथ विनायक दामोदर सावरकर के बारे में वो रिपोर्ट भी है जो पूना के पुलिस कमिश्नर ने बॉम्बे के गवर्नर को भेजी थी। इसमें लिखा है सावरकर नौजवानों को बगावत करने के लिए इकट्ठा करता रहा है, उन्हें भड़काता रहा है और पेपर्स में ऐसे आर्टिकल्स लिखता रहा है जिसको पढ़कर हिंदुस्तानी लोगों में अंग्रेजों के खिलाफ नफरत पैदा हुई है। He is a firebrand. Then he has to be chased closely, sir. Yes. ऐसा dangerous इंजन अगर आम लोगों के बीच यहां अपना प्रोपेगेंडा करेगा तो इंजन में हमारे लिए डिफिकल्टी पैदा होगी। स्कॉटलैंड यार्ड को खबर कर दो एटा, उसके हर मूवमेंट को वॉच करो। राइट सर। क्या देख रहे हो? अंग्रेजों की ये पार्लियामेंट कितनी भव्य है। हम हिंदुस्तानी क्रांतिकारी इसी से लड़ रहे हैं। इस समय तुम अपने असली दुश्मन के सामने खड़े हो। इस भवन को बने हुए 700 साल बीत गए। यही तो इंग्लैंड के लोगों की शक्ति का प्रतीक है। वर्मा जी, मैं सोच रहा हूं जब यहां के लोग अपने स्वतंत्रता के अधिकार पर इतना गर्व करते हैं तो फिर उन्होंने हमें गुलाम बना के क्यों रखा हुआ है? यही तो आयरनी है। भयंकर विरोधाभास है। तुम्हें यहां लाने का और भी एक कारण है। क्या? तुम्हारे यहां आने के बाद मुझे लगता है कि इंडिया हाउस के आसपास और अंदर अंग्रेजी पुलिस की निगरानी कुछ बढ़ गई है, इसलिए मैं चाहता था कि कहीं खुले में तुमसे बात करूं। वैसे भी कॉलेज के एडमिशन में अभी थोड़ी देर तो लगेगी। मैं जानता हूं, मगर मैं अपना वास्तविक काम अभी से शुरू कर देना चाहता हूं। मेरे पास कुछ हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स के पते हैं। मैं बहुत जल्द जान जाऊंगा कि ये लड़के अधिकतर कहां उठते बैठते हैं और कहां आपस में मिलते जुलते हैं। तुम्हारे इस काम में मेरे अलावा और भी कई लोग तुम्हारी मदद करेंगे। बापट है, सरदार सिंह राणा, मादम कामा। मैं तो ये भी सोच रहा हूं कि हिंदुस्तानी विद्यार्थियों के अतिरिक्त आयरलैंड, फ्रांस, रूस, मिस्र और तुर्की के क्रांतिकारियों से भी संपर्क स्थापित किया जाए। इससे हमारे आंदोलन को सारे संसार का समर्थन मिलेगा। मैं तो हथियार बनाने के साधन भी। क्या बात है? मुझे लगता है ये लोग हमारी बातें सुन रहे हैं। हम हिंदी बोल रहे हैं और वो अंग्रेज हैं। अगर हम अंग्रेजी बोल सकते हैं तो ये लोग हिंदी समझ भी सकते हैं। खैर, हमारी बातें तो होती रहेंगी, लेकिन पहले इस महानगर को जानो पहचानो, क्योंकि यही तुम्हारा कुरुक्षेत्र है। जानना ही पड़ेगा, नहीं तो चक्रव्यूह कैसे रचा जाएगा। Here it is. Thank you. Hello? Yes? I want to meet Mr. Vinayak Savarkar. Oh yes, please come in. First floor, towards left, first room. Thank you. You're welcome. Yes. Come in. Hello, Savarkar. Hello. यार पढ़ाई तो अभी शुरू भी नहीं हुई, तुम ये क्या लिख रहे हो? तुम्हारा आना मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया हूँ। अगर तुम जहाज में मेरे साथ नहीं होते तो मैं रास्ते से ही वापस चला जाता। तुम्हारे कारण यहाँ लंदन में मुझे अच्छा लग रहा। अब मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करूंगा। ये क्या तुम कविता लिख रहे थे? नहीं, मैंने सोचा कि जब तक मैं ग्रेजिंग जाना शुरू नहीं करता, मैजिनी की आत्मकथा का मराठी में अनुवाद कर लेता हूँ।
मैजनी इटली।